अभी देखो, ये वो रहा मेहरानगढ़ फोर्ट वहां पर, और जसवंत थाड़ा ये रहा, ये जसवंत थाड़ा यहाँ पे। टूर के फाउंडर है। और ये देखो, ये वो सामने मेहरानगढ़ फोर्ट है, ये रहा सामने इनकी प्रतिमा लगी हुई है, और पीछे वो देखो वहां पर व्हाइट कलर में दिख रहा है जसवंत थाड़ा। हेलो एवरीवन, सो अभी हम हैं जसवंत थाड़ा। जो ये जगह को आप मिस मत करना, ये जोधपुर के सबसे अच्छे घूमने वाली प्लेसेस में, देखने लायक प्लेसेस में से एक है। और वो क्यों है वो मैं आपको ऊपर चल के बताऊंगा। और देखो, इसके जस्ट बाजू में इतना प्यारा सा एक तालाब बना हुआ है, ये देखो। और ये सोचो पहाड़ के ऊपर है, ये देखो। और जसवंत थाड़ा है वहाँ ऊपर, तो हम जाएंगे वहाँ, और बाकी चीज़ें मैं आपको वहाँ बताता हूँ। तो चलो साथ में। सो ये है जसवंत थाड़ा, और इसको ताजमहल ऑफ मारवाड़ भी बोला जाता है, क्योंकि ये पूरा वाइट सैंडस्टोन से बना हुआ है, जो जो मिलता है मकराना में। तो ये ताजमहल जैसा पूरा चमकता है वाइट पूरा, इस वजह से इसे ताजमहल ऑफ मारवाड़ भी कहा जाता है। तो अभी अंदर चलते हैं, अंदर आपको दिखाता हूँ, बाहर से आप देखो ये कैसा दिख रहा है, ये देखो। अभी अंदर चलते हैं। ये देखो, ये अंदर से ऐसा दिखता है। और ये जितने भी फोटोज लगे हुए हैं, ये जो यहाँ के राठौर्स थे, रूलर्स थे, उनके सब ये फोटोज लगे हुए हैं पूरा अंदर। और ये राजा जिन्होंने ये सब जगह बनाई है, ये उनका फोटो लगा हुआ यहाँ पे। और पूरा देखो, पूरा अंदर भी मार्बल से बना हुआ है, पूरा पूरा वाइट मार्बल, जिस मार्बल से ताजमहल बना हुआ है। तो देखो ये आप, अब हम हैं जो जसवंत थाड़ा के बाजू में एक गार्डन है सामने उसके, ये गार्डन है वो, ये देखिए ये गार्डन है। और यहाँ पे ये सब जो बने हुए हैं, ये इनका, ये यहाँ पर मतलब जो लास्ट रिचुअल्स होते हैं वो भी इनके यहाँ पर किए जाते हैं, तो उस वजह से ये यहाँ पर ये सब बने हुए, ये सब राजा थे उनकी जगह है ये सब, तो ये लास्ट रिचुअल्स के बाद ये बनाया जाता है। तो ये है यहाँ पर, ये देखो, और बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है। काफी प्यारा गार्डन है यहाँ का। और यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि मैं पहले गलत रास्ते पर चला गया था, आगे निकल गया था, फिर बाद में मैं यहाँ पर पहुँचा। तो हमारा जसवंत थाड़ा का भी टूर कंप्लीट हो गया, पूरा घूम लिया और जान भी लिया, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, काफ़ी पीसफुल लग रहा है, क्योंकि सुबह दिन में तो मैं कहीं निकला नहीं,
ये बहुत 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 ज़ोर से गर्मी थी। तो अभी मैं जोधपुर में ही हूँ, तो अभी देखेंगे कुछ और ढूंढेंगे, एक दो ढूंढेंगे तो नहीं, वैसे मुझे पता है एक दो प्लेसेस और, वहाँ पर भी जाना है। तो आप बने रहो साथ में और ये पूरा जोधपुर का सीरीज़ देखो, मज़ा आएगा आपको। तो मिलते हैं दूसरे ब्लॉग के लिए जोधपुर के।